जबलपुर महानगर के आधारताल तालाब शिव मंदिर में चल रहे सात दिवसीय श्री राम महायज्ञ के पांचवें दिन आज भगवान भोले शंकर के प्रांगण स्थल से बारात निकाली गई, जो कि आधारताल मुख्य मार्ग से होते हुए रद्दी चौकी होकर वापस आयोजन स्थल पर समाप्त हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक शामिल रहे। श्री राम महायज्ञ का समापन 13 तारीख को होगा। कन्या भोज और हवन भंडारे के साथ आयोजन होगा। इस अवसर पर शिव पार्वती का विवाह का आयोजन किया जाएगा। आधार तालुक नगरी क्षेत्र जबलपुर में यह शिव बारात आप देख रहे हैं, जहां पर जबलपुर और प्रदेश से और पूरे देश भर से नागा साधु संत आए हैं। काशी विश्वनाथ से राजेश्वरी पुरी साहब नागा भराज आए हैं, और उज्जैन से आए हैं, और छत्तीसगढ़ से नागा भराज आए, हरिद्वार से आए हैं। ऐसे तमाम क्षेत्रों से जो है संत महात्मा आए हैं, क्योंकि आधार ताल सरोवर के पास जो है एक बहुत 11 दिवसीय जो है शिव शक्ति महारूप लेकर चल रहा है। उस रूप लिया के संतों का सम्मेलन चल रहा है, जो 3 तारीख छठ दिन चालू हो गया। प्रदोष के दिन 13 तारीख को समापन प्रभु के साथ भंडारा होगा। और इस बारात में जो है आधार ताल से तमाम महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी सम्मिलित थे, और ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा धर्म जो है इतना मजबूत धर्म है, जो भक्ति के लिए जो है कुछ भी करने तैयार है। अर्थात मतलब हम लोग भक्ति के माध्यम से जो है ये मैसेज देना भी चाहते हैं। शिव बारात को अभी भगवान शिव पार्वती की शादी विवाह होगा, ऐसे मैसेज देना चाहते हैं कि सभी लोग शादी विवाह भी यदि कराएं, यदि बारात भी निकालें तो बहुत धूमधाम से निकालें, बड़े शांति व्यवस्था से। हमारे समस्त कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन सहित अन्य जो प्रशासन थे उन्होंने सहयोग किया। किसी प्रकार का हम लोगों ने या किसी व्यक्ति ने शांति का उपद्रव नहीं किया। बहुत सुंदर, बहुत शोभा रही, लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। आप सभी लोग चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं, सभी लोग इसी प्रकार से शांति व्यवस्था के साथ अपने धर्म का पालन करें और बारात निकालें। आप सभी को नमस्कार। विनय पांडे, जबलपुर शहर।